भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक क्रांतिवीर स्वतंत्रवीर सावरकर की 138वीं जयंती मनाई गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक क्रांतिवीर स्वतंत्रवीर सावरकर की 138वीं जयंती पर विचार करते हुए कहा गया कि कोरोना महामारी के समय राजनेताओं को टीवी चैनल पर एक दूसरे की टांग खींचने में समय बर्बाद करने से अच्छा होगा। जिस तरह संसद और विधानसभा में सभी राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने सुख सुविधा और भत्ता बढ़ाने के लिए एकजुट होते हैं, उसी तरह सभी राजनीति दलों को इस समय एकजुट होकर केवल और केवल जनता को कोरोना से बचाने के लिए अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है पर मंथन करना चाहिए। इस समय भूल कर आगे क्या अच्छा हो सकता है यही रास्ता निकालना चाहिए। ऐसा करने से ही सावरकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकते हैं। सपूत त्याग बलिदान और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति स्वातंत्र्य वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करो, भारत माता के महान सपूत स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करो, सम्मानित करो, सम्मानित करो। अखंड भारत के प्रेरणा स्रोत, भारतीय क्रांतिकारियों के मुकुटमणि और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की आज जयंती है। इस महान क्रांतिकारी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं, राजनेताओं से निवेदन करता हूं, इस समय महामारी फैल रही है, देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित करना है, इसके लिए हम सभी को सारी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसने क्या किया पहले ये छोड़ करके अब आगे क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है, देश की जनता को इस महामारी से कैसे बचाया जा सकता है इस पर सोचना चाहिए। टीवी चैनलों पर बहुत सारी डिबेट आती हैं, एक दूसरे को टांग खिंचाई जो जिस तरह राजनेता कर रहे हैं इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। सभी राजनेताओं को, सभी देशवासियों को एकजुट होकर के एक ही लक्ष्य और एक ही विचार ज्ञापित करना चाहिए कि इस समय और आगे देश को कोरोना से बचाने के लिए क्या अच्छे से अच्छा हम सभी को मिलकर के कर सकें, हम सभी मिलकर के कर सकें ये सोचना चाहिए। इस समय कौन किस दल का है, कौन किस दल का है, कौन बीजेपी का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का है ये छोड़ करके सभी राजनेताओं को एकजुट हो करके जिस तरह संसद और विधानसभा में अपने भत्ते बढ़वाने के लिए सारे सांसद विधायक एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस समय एकजुटता के साथ कोरोना को हराने के लिए सभी के समान और सकारात्मक विचार होना चाहिए। यदि ऐसा करके हमारे राजनेता और देशवासी सावरकर जी की जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं हरिदास अग्रवाल, मध्य प्रदेश प्रवक्ता हिंदू महासभा।